व्हाट्स गाइस, संजोत कीर हियर, वेलकम टू IFL। कच्ची दाबेली बना रहा हूँ आज। अब कच्ची दाबेली होती है, दाबेली बेसिकली इज अ स्ट्रीट फूड जो कच्छ गुजरात में ओरिजिनेट हुई और अंजार में बहुत ही डिलिशियस वाली दाबेली मिलती है। और मुंबई में भी ये जो दाबेली है काफ़ी फेमस है, इसे डबल रोटी भी कहा जाता है क्योंकि पाव को डबल रोटी कहा जाता है और ये पाव के अंदर ही फिलिंग्स डालकर बनाई जाती है। और मुंबई में भी कई जगहों पर अच्छी दाबेली मिलती है, पर मैं जहाँ पर पला बड़ा हूँ वहाँ एक गुजराती लोकेलिटी है और काफ़ी कच्छी लोग वहाँ पर रहते हैं और वहाँ पर एक दाबेली मिलती है जिसे राजू दाबेली कहा जाता है। अब ये जो राजू भाई दाबेली बनाते हैं ना, दैट्स द बेस्ट दाबेली आई हैव एवर हैड इन माई लाइफ। माना कि कच्छ में तो बहुत अच्छी दाबेली मिलती है, बट मुंबई में अगर आपको दाबेली खानी है सो यू हैव टू डेफिनेटली ट्राई राजू भाई दाबेली। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मैं छोड़ दूंगा कि कहाँ मिलती है। और मेरी जो दाबेली है वो उन्हीं से इंस्पायर्ड है क्योंकि मुझे काफ़ी पसंद है, बचपन से वही खाते आ रहा हूँ। तो मैं जब ये रेसिपी काफ़ी सालों तक रिसर्च कर करके बनाई है, आई हैव ट्राइड टू अचीव द सेम टेस्ट। उनकी आज भी मेरे से बेटर लगती है, बट ये वाली भी अच्छी खासी बन जाती है। तो ये रेसिपी आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एंड साथ ही में ये वाली जो दाबेली है मैं राजू भाई को टेस्ट कराने वाला हूँ। सो आई हैव थ्रू आउट माई लाइफ हैड हिज दाबेली, बट आज मैं अपने किचन में दाबेली बनाकर इस वीडियो के एंड में उनको टेस्ट कराने वाला हूँ और उनसे फिर पूछेंगे कि मेरी दाबेली उनको कैसी लगी। दिस इज़ जस्ट अ वेरी स्मॉल जेस्चर जो मैंने इतने सालों तक उनके हाथ की दाबेली खाई है, तो एक बस जेस्चर है कि उनको मेरे को खिलाने का मन हो गया कि मेरे हाथ की दाबेली में उनको खिलाओ एंड देन पता चलेगा कि मेरी दाबेली कैसे बनी। अब दाबेली में इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं, एक दाबेली का मसाला बनता है, फिर आलू का मसाला बनता है, मसाला पीनट्स बनते हैं, खट्टी मीठी चटनी जिसे खट्टा मीठा पानी कहा जाता है और एक तीखी चटनी बनती है। ये सबको एक पाव के अंदर डालकर दाबेली बनती है। और राजू भाई के यहाँ पर एक कड़क मिसल भी मिलती है। अब ये जो मिसल है वो महाराष्ट्रियन वाली मिसल नहीं है, ये दाबेली वाली मिसल है। एक जो कड़क बटर होता है, बटन पापड़ी जो होती है जिसे हम चाय के साथ खाते हैं, उसे तोड़कर दाबेली के सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें डालकर मिक्स किया जाता है और ये कड़क मिसल बनती है जो बहुत डिलिशियस लगती है। वीडियो के एंड में ये मिसल भी कैसे बनती है वो आपको बताने वाला हूँ। तो ये सारे कंपोनेंट्स पता है थोड़े से ज़्यादा हैं, कुछ कंपोनेंट्स आप मार्केट से भी ला सकते हो अगर लाना चाहते हो तो, बट YFL पर आपको पता है मैं हर एक चीज़ स्क्रैच से बनाता हूँ। सो आई एम मेकिंग द होल रेसिपी फ्रॉम स्क्रैच। सबसे पहले दाबेली मसाला कैसे बनता है वो देख लेते हैं। मसाला बनाने के लिए एक पैन को अच्छे से गर्म कर लीजिए, फिर पैन एक बार गर्म हो जाए तो फ्लेम को लो कर दीजिए। अब इसमें 1/4 कप साबुत धनिया, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 तेज पत्ता, 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून लौंग, 1 चक्री फूल, 2 मोटी इलायची, 2 इंच दालचीनी को तोड़कर ऐड कर दीजिए, 1 टीस्पून पत्थर के फूल और आधा टीस्पून नमक। ये सारी चीज़ों को आपको एकदम हल्की आंच पर धीरे धीरे भूनना है कि जब तक मसालों में से सुगंध आनी शुरू हो जानी चाहिए। एक बार मसालों से सुगंध आना शुरू हो जाए तो इन्हें एक बोल में ट्रांसफ़र करके अच्छे से ठंडा कर लीजिए। एक बार मसाले ठंडे हो जाएं तभी इन्हें एक मिक्सर ग्राइंडिंग जार में ऐड कर दीजिए, साथ ही में 1 टीस्पून काला नमक और 1 टेबलस्पून तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर ऐड करके इसको एक फाइन पाउडर में पीस लीजिए। आप देख सकते हो मैंने दाबेली मसाले को अच्छे से पीस लिया और हमारा दाबेली मसाला रेडी हो गया। तो ये होममेड दाबेली मसाला बनाना बहुत आसान है, आपने देख लिया। अब ये मसाला मार्केट में रेडीमेड भी मिलता है, अगर रेडी लाना चाहते हो तो ठीक है, घर पे बना सकते हो तो बेस्ट है क्योंकि ये मसाला जो है ये बेस है बाकी सारे कॉम्पोनेंट्स का। जो मसाला पीनट्स बनेंगे, जो खट्टा मीठा पानी बनेगा और जो आलू वाला मिक्सर बनेगा, ये तीनों में यही मसाला जाने वाला है। तो फ्लेवर जो है इस मसाले का है। तो मसाला आप अगर बना ले बहुत आसान है, तो आपकी दाबेली जो है जैसे मैं बना रहा हूँ वैसी बनेगी। तो ये मसाला एक बार रेडी हो जाए आपका, उसके बाद बाकी के जो कंपोनेंट्स हैं, सबसे पहले मैं इससे मसाला पीनट्स बनाने वाला हूँ, वो कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। एक पैन के अंदर 3 टेबलस्पून मूंगफली का तेल ले लो, पीनट ऑयल लेना है, इंपॉर्टेंट है। तेल एक बार गर्म हो जाए तब इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए। फ्लेम जो है आपकी थोड़ी लो रहनी चाहिए। फिर इसमें 250 ग्राम मूंगफली ऐड करनी है बिना छिलकों की और 2 टेबलस्पून दाबेली का मसाला ऐड करना है जो हमने अभी बनाया था। इसको अच्छे से स्टर करना है बस 1-2 मिनट के लिए और मसालों से पीनट्स को कोट कर लेना है। 1-2 मिनट के बाद फिर इसके अंदर 6 टेबलस्पून आपको पाउडर्ड शक्कर यानी पिसी हुई शक्कर डालनी है। शक्कर डालकर भी अच्छे से आपको स्टर करना है, शक्कर आपकी हल्की हल्की पिघलेगी और जो मसालों के साथ और तेल के साथ मिलेगी तो ये पीनट्स को अच्छे से कोट करेगी। फ्लेम जो है आपकी मीडियम या मीडियम लो पर ही रहनी चाहिए। एक बार आपने शक्कर अच्छे से मिक्स कर लिए तब इसमें आधा टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर और टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर देना है।
अब अच्छे से स्टर कर लीजिए। शक्कर की वजह से आपको ऐसे लगेगा कि ये मिक्सचर जो है काफ़ी मॉइस्ट हो गया है, क्योंकि शक्कर में पानी होता है, बट टेंशन मत लीजिए। इस स्टेज पर 1 से 2 मिनट के लिए आपको पकाना है। जब गैस बंद करके पीनट्स को ठंडा करोगे तो एकदम फिर से ये हार्ड हो जाएंगे, क्रिस्पी हो जाएंगे आपके एकदम पीनट्स, तो टेंशन मत लीजिए। इस स्टेज पर बस पीनट्स को टेस्ट कर लीजिए, नमक या शक्कर या आपको कुछ एडजस्ट करने मसाले तो एडजस्ट कर सकते हैं। एक बार आपने एडजस्टमेंट कर लिए उसके बाद गैस को बंद कर दीजिए और इन पीनट्स को एक बोल में ट्रांसफर करके अच्छे से ठंडा कर लीजिए। ठंडा होने के बाद आप देख सकते हो कि पीनट्स ने एकदम कोटिंग अच्छे से पकड़ ली है। इस तरीके से आपके मसाला पीनट्स एकदम परफेक्टली बन जाएंगे। तो मसाला पीनट्स देखा आपने कितना आसान है बनाना, वही दाबेली वाला मसाला यूज़ किया, साथ में हल्दी, मिर्च, धनिया और जीरा और शक्कर और नमक, ये चीज़ें इसमें जाती हैं और बहुत ही चटपटे से एकदम तीखे मीठे ऐसे वाला फ्लेवर आता है और चखने में बहुत खाने में मज़ा आता है ये वाले जो मसाला पीनट्स हैं। और दाबेली के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें ये आपको चाहिए। अब ये मसाला पीनट्स का भी पैकेट मार्केट में मिलता है, बट ये दाबेली मसाले से और इस तरीके से जब आप घर पे बनाओगे बहुत अच्छे बनते हैं और काफ़ी इकोनॉमिकल भी पड़ता है ये घर पे बनाना। तो ये मसाला पीनट्स इस तरीके से बना सकते हो। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हमें 2 चटनियाँ बनानी है, एक तो तीखी चटनी बनानी है और एक मीठी चटनी बनानी जिसे खट्टा मीठा पानी कहते हैं। तो पहले तीखी चटनी एकदम सिंपल और फास्ट तरीके से कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। एक मिक्सर ग्राइंडिंग जार में 1/3 कप लहसुन ऐड कीजिए, थोड़ा सा पानी ऐड करके इसकी एक फाइन पेस्ट बना लीजिए। आप देख सकते हो मैंने इसकी एक फाइन पेस्ट तैयार कर ली है। अब एक पैन के अंदर 3 टेबलस्पून पीनट ऑयल ऐड कीजिए। तेल एक बार गर्म हो जाए तब इसमें जो गार्लिक पेस्ट बनाई थी वो ऐड कर दीजिए, 1 लार्ज चुटकी नमक की, 3 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 टेबलस्पून तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर डालकर अच्छे से स्टर कर लीजिए। अब इसमें 200 से 300 ml आप गरम पानी ऐड कर दीजिए। पानी ऐड करने के बाद आपको अच्छे से स्टर करना है और इस चटनी को 3 से 4 मिनट के लिए कुक करना है या जब तक कि तेल सेपरेट हो जाता है तब तक इसे कुक कर लीजिए और हल्की सी सेमी थिक टाइप चटनी इसकी रेडी हो जानी चाहिए। तो आप देख सकते हो 3-4 मिनट में काफ़ी अच्छे से तेल छूट चुका है। इस स्टेज पर गैस को बंद कर दीजिए, एक बोल में ट्रांसफ़र कर दीजिए और अच्छे से ठंडा कर लीजिए। आपकी गार्लिक चटनी रेडी हो गई है। अब खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए एक बोल में 1 कप इमली ऐड कीजिए। इमली के साथ 1.5 लीटर गरम पानी ऐड करके आपको 25 से 30 मिनट तक इमली को अच्छे से सोख कर लेना है, बेसिकली इमली का पानी बनाना है। एक बार इमली अच्छे से सोख हो जाए उसके बाद अच्छे से इसे मैश करके इमली का जितना सारा फ्लेवर है वो पानी में आ जाए, अच्छे से मैश कर लीजिए। अब एक बड़े से बर्तन में आपको 2 टेबलस्पून पीनट ऑयल ऐड करना है। एक बार तेल गर्म हो जाए लो फ्लेम पर ही 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून तीखी वाली लाल मिर्च, 1 टीस्पून दावेली मसाला डालकर अच्छे से स्टर कर लीजिए। अब इसमें इमिजिएटली जो इमली का पानी है उसे स्ट्रेन करके आपको ऐड कर देना है। एक छन्नी की मदद से इमली के पानी को छान लीजिए और सारे पानी को इसमें ऐड कर दीजिए। एक बार इमली का पानी आपने ऐड कर दिया है तब इसमें 3/4 कप चीनी, टेस्ट के हिसाब से नमक, 1 टीस्पून जीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर डालकर अच्छे से आपको स्टर कर लेना और 8 से 10 मिनट के लिए यहाँ पर इसे पकाना है। अब इसे बहुत ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे, जैसे हम सौंठ बनाते हैं, इमली की चटनी बनाते हैं, इसका एक खट्टा मीठा पानी तैयार करना है। तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो सेमी थिक टू सेमी थिन रहेगी, बहुत गाढ़ी चटनी आपने नहीं बनानी है। पकने के बाद जब ये ठंडी हो जाएगी तो और गाढ़ी होगी, तो ध्यान दीजिए कंसिस्टेंसी इस स्टेज पर बहुत गाढ़ी नहीं होनी चाहिए। आप देख सकते हो 8 से 10 मिनट के बाद इसकी कंसिस्टेंसी किस तरीके की है, इसी कंसिस्टेंसी तक आपको पकाना है और गैस को बंद कर देना है। गैस को बंद करने के बाद इस स्टेज पर इस चटनी को एक बोल में ट्रांसफर करके अच्छे से ठंडा कर लीजिए और ये हल्की सी और ठीक हो जाएगी। हमारा खट्टा मीठा पानी रेडी हो गया। तो दोनों चटनियाँ हमारी रेडी हो गई हैं। जो लाल वाली चटनी है वो तीखापन और गार्लिक का फ्लेवर ऐड करेंगी और जो खट्टा मीठा पानी है वो दाबेली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो खटास और मिठास ऐड करता है। वो खट्टा मीठा तीखा जो फ्लेवर बैलेंस है वो दाबेली में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों चटनियाँ बहुत आसानी से बन जाती हैं। अगर आप लहसुन नहीं खाते, काफ़ी लोग लहसुन नहीं खाते, तो गार्लिक चटनी जो है वो अवॉइड कर सकते हैं या सिर्फ तीखी चटनी बनाओ बिना गार्लिक के, वो भी बना सकते हो। तो चटनियाँ रेडी हो गई, लास्ट कंपोनेंट बाकी है जो हमारा आलू का मिक्सचर है। सिमिलर सारे इंग्रेडिएंट्स लगेंगे उसके, बहुत आसान है। आलू का मिक्सचर कैसे बनता है दाबेली के लिए वो देख लेते हैं। एक बर्तन को हाई फ्लेम पर सेट कर दीजिए, फिर इसमें 2 टेबलस्पून पीनट ऑयल डालकर गरम कर दीजिए। तेल एक बार गरम हो जाए तो लो फ्लेम पर 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 2 टीस्पून तीखी वाली लाल मिर्च और 3 टेबलस्पून जो हमने दाबेली मसाला बनाया था वो ऐड कर दीजिए और अच्छे से स्टर कर दीजिए।
इमिजिएटली एक पानी का छींटा मार दीजिए कि जो मसाले हैं वो जले नहीं, और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और एक मिनट के लिए मसालों को यहाँ पर आपको कुक कर लेना है लो फ्लेम पर। एक बार मसालों को आपने कुक कर लिया है, तब इसमें एक लीटर गर्म पानी ऐड कीजिए, टेस्ट के हिसाब से नमक, और 6 मीडियम साइज़ के आलू मैंने यहाँ पर बॉईल करके छील लिए थे, इन्हें रफली क्रश करके आपको ऐड कर देना है। इस स्टेज पर रफली क्रश करके ही ऐड कर रहा हूँ, पानी में जब आलू पकेंगे तो आलू जो है अच्छे से घुल जाएगा और हमारी कंसिस्टेंसी बाद में अच्छे से एडजस्ट हो जाएगी। आलू ऐड करने के बाद इसके अंदर 5 से 6 टेबलस्पून जो खट्टी मीठी चटनी बनाई थी वो ऐड कर दीजिए। 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करके आपको अच्छे से स्टर कर देना है। एक बार आपने अच्छे से स्टर कर लिया है, तब इसमें 5 टेबलस्पून यहाँ पर शक्कर ऐड करना है। शक्कर डालकर भी अच्छे से आपको मिक्स करके यहाँ पर मिक्सर को 5 से 6 मिनट के लिए पकाना है, या जब तक कि डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी नहीं मिल जाए तब तक इसे हमें पकाना है। जो शक्कर ऐड की है, जो खट्टी मीठी चटनी ऐड की है, उससे वो जो खट्टा मीठा फ्लेवर आ जाएगा, जो मिर्च और मसाले ऐड किए उससे तीखापन आ जाएगा, तो ऐसे हमारा फ्लेवर जो है बैलेंस हो जाएगा दाबेली के मिक्सर में। तो 5 से 6 मिनट के बाद आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी किस तरीके की हो गई है। ऐसी ही कंसिस्टेंसी इस मिक्सर की होनी चाहिए। ये मिक्सर भी जो है जब ठंडा हो जाता है तो गाढ़ा हो जाता है। अब देख सकते हो ठंडा होने के बाद ये मिक्सर एकदम गाढ़ा हो चुका है, और आप देख सकते हो हमारी दाबेली का जो आलू वाला मिक्सर है वो रेडी हो गया। तो दाबेली के सारे कॉम्पोनेंट्स हमारे रेडी हो गए हैं। अब कॉम्पोनेंट ज़्यादा है, लेकिन जो इन्ग्रीडियंट्स है आपने नोट किया होगा वो सारों में सेम ही पड़ते हैं, वही हल्दी, मिर्ची, धनिया, जीरा और दाबेली मसाला पड़ता है। तो आसान है कॉम्पोनेंट्स बनाना। अगर आप चाहें तो कुछ चीज़ें बाहर से भी लेके आ सकते हैं और दाबेली बना सकते हैं घर पर। हमारी सारी चीज़ें रेडी हो गई। अभी कुछ गार्निशेस करने, एक थाल सजाएंगे दाबेली का, उसके बाद दाबेली बनाएंगे, मिसल बनाएंगे, और फिर राजू भाई को ये वाली जो दाबेली वो टेस्ट कराने वाले हैं। सो लेट्स प्लेट एंड असेंबल आर दाबेली वाईफल स्टाइल। दाबेली तो बॉस अमेजिंग बनी है, और मिसल भी बहुत टेस्टी बनी है। आपने देखा कैसे असेंबल किया जाता है इसे और कैसे बनाया जाता है। तो आप तो अभी बना ही सकते हो दाबेली घर पे, बट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये दाबेली मैं आज राजू भाई को टेस्ट कराने वाला हूँ, एंड आई एम रियली एक्साइटेड कि वो टेस्ट करके बताए कि उन्हें ये दाबेली कैसे लगती है। सो लेट्स गो।
राजू भाई हरिओम हरिओम मजा मा मजा धंधा पानी एकदम हाँ बहुत अच्छा है। तो आज उल्टा है सीन, डबल रोटी मैं लेके आया हूँ, खाने नहीं आया हूँ। मैं अपने व्यूअर्स के लिए बना रहा था रेसिपी डबल रोटी की, और मैंने उनको बताया कि जिस आदमी के हाथ की डबल रोटी मैं बचपन से खा रहा हूँ, मेरे को उनको खिलानी है। इतने 20 साल हो गए अभी कम से कम, मेरे ख्याल से रेसिपी तो बता दी है लोगों को, बट अभी टेस्ट करा मैं आपको लेके आया। ओके ठीक है, तो भाई बताओ कैसी है। राजू भाई दाबेली कैसे लगी? बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छी लगी। हाँ, चलो और मेरे को पता है कि उतनी तो नहीं अच्छी बनती है जितनी राजू भाई के हाथ की बनती है। 34 ईयर्स हो गया राजू भाई को रोज दाबेली बनाते हुए, और बहुत पेशेंस का काम है और बहुत हिम्मत का काम है यार, एक चीज रोज बनाना 34 साल के लिए। और मुंबई की सबसे बेस्ट दाबेली है, मेरी गारंटी है। और अगर आपको राजू भाई के हाथ की दाबेली खानी है, और अगर आप मुंबई में हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक भी मिल जाएगा, गूगल मैप्स का एड्रेस भी छोड़ दूंगा कि लोग आके राजू भाई दाबेली एंजॉय कर पाए। दाबेली खाओगे तो कड़क मिसल जरूर ट्राई करना, मेरी फेवरेट है, और कभी कभार उस पर थोड़ा चीज़ डाल के भी खा लेते हैं, वो भी मजा आता है। चीज़ वाला भी मजा है। और ये छोटा था, स्कूल से आता था तो पहले मेरे स्टॉल पर रुकने का, 2-3 दाबेली खाने का, उसके बाद ही घर पर जाने का, उसका रोज का रूटीन लाइफ था वो। बस से उतरा तो पहले राजू भाई का दाबेली, क्योंकि बस छोड़ती थी रोड के इस साइड पे जहाँ पर राजू भाई का स्टॉल था, और ऑपोजिट साइड पे हमारी सोसाइटी थी, तो दाबेली खा के राजू भाई मुझे और अनीशा को, मेरी बहन को, क्रॉस करवा देते थे, और क्रॉस करके फिर हम लोग घर पे जाते थे, तो हमारा रूटीन था वो। और मैं भी शिफ्ट हो गया हूँ थोड़ा दूर यहाँ से, बट अभी भी दाबेली खानी होती तो हम यहीं पर आके खाते हैं, एंड इट्स द बेस्ट दाबेली। एंड इफ यू हैव नॉट हैड इट, अगर आप आसपास में रहते हो तो जरूर आओ, मुलुड आओ तो, खास कर आओ तो खास करके भाई की दाबेली और कड़क मिसल ट्राई जरूर ट्राई करनी है। और थैंक यू राजू भाई, इतने सालों से हमको दाबेली अच्छी अच्छी खिलाने के लिए, इतने लोगों को खिलाने के लिए, और आपको भी थैंक यू। थैंक यू हमारी तारीफ करने के लिए। एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन, एंड हैव एन अमेजिंग टाइम विद दिस दाबेली रेसिपी एट योर होम। चीयर्स। हरिओम 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 हरिओम।